नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबको फिर से एक नया वीडियो के साथ हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों ये देखिए, आज हम घर में ये माछो ना कौन हो पहले पूछ के पता करते हैं ये मच्छी का नाम क्या है। ये मच्छी पहले भी ये मच्छी का वीडियो हम लोग बनाए हैं। कौन भाकुड़िया ना भाकुरो कौन देखे चाहिए? तो तू कौन कहलु बहु? भाकुरो। तो ओके, कन्फर्म हो गया है ये मच्छी का नाम भाकुरो, यानी कि हम हमारे भाषा में भाकुरो बोलते हैं। और आप लोग मतलब आपका लैंग्वेज क्या है जो देख रहे हैं वो लोग कमेंट कीजिएगा कि आपके भाषा में ये मच्छी को क्या बोलते हैं। तो ये मच्छी को आज हम करी बनाने वाले हैं। बहुत लेट हो गया है, करीब 12:30 होने जा रहा है, अब तक करी नहीं बनाए हैं, थोड़ा काम था इस वजह से। अब भी जस्ट मार्केट से ये लेके पहुँचा है मैं। तो चलिए इसे बनाते हैं करी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। माछटा ओजन के छुआ साई कड़े जाइल कड़े जाइल सुनो सुनो वो थोड़ा गुस्सा हो गया है साई, इसलिए नहीं सुन रहा है। ए मुंडोटा कह रहा हूँ, मुंडोटा क्या खाई वो? मुंडोटा। हाँ। मुंडोटा है उसी मुँह में। हाँ। ऐ डॉज। बो बड़ोड़ क्या करी मैं? हाँ बड़ो। ये की बड़ो बड़ो हलाल? हलाल नहीं था। हाँ। आहुरी बड़ो बड़ो करा। आहुरी? हाँ। तो दोस्तों आप लोगों को और एक बात बता दूं कि ये देखिए, पहले यहाँ जो एक मतलब एक घर जैसा बनाए थे जहाँ हम खाना बाहर बनाते थे, वो तो टूट गया था तेज़ी हवा की वजह से। और इसे फिर से बना रहे हैं, ये देखिए दो पिलर लगाए हैं यहाँ पे, तो फिर से बना रहे हैं, जैसे कि फिर तूफान अगर तेज़ी हवा आया तो फिर ना टूटे जैसा ऐसा। और यहाँ जो दो चोला था उसको ढंक दिए हैं एक बर्तन से, एक बड़ा वाला कढ़ाई से, ताकि वो भिगो ना जाए। और थोड़ा मिट्टी भी डाल के थोड़ा हाइट कर दिए हैं। ये कौन? सुरीशो। मुंडा कल ये रात की रख दिया ला। हाँ। घंटा करियो। रख दियो भलो। तो दोस्तों ये जो मच्छी का मुंडी है वो मुंडी को रख देंगे रात को। रात को आगे माछटा को संतुलित नहीं, आज की तरकारी हो कि चल जा। तो ये ओके, नले टाइम थिले कोन करथन? त टाइम थिले माछ दे ढेर प्रकार को दे। ढेर प्रकार माने केते प्रकार? कटला बसा भाजा तरकारी की छुंको मार। तो दोस्तों ये मच्छी को आज कोन कहले तेल झाड़, तेल झाड़ बनाने वाली है संजू, नहीं तो टाइम नहीं है इसीलिए डायरेक्ट तेल झाड़। मतलब ये इसको थोड़ा फ्राई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसा कारी में डालेगी समझू। तो नहीं तो टाइम रहता था तो 3-4 प्रकार का आइटम बना लेती थी यही एक मच्छी से बोल के।
चारि पीस मुठे चारि पीस कार कार अच्छा छुआ भजा खाए तो साई के लिए ये कारी में नहीं डाल रही है संजू, क्योंकि वो तो मिर्ची नहीं खा सकता, इसीलिए उसके लिए एक फ्राई कर लेगी संजू। और पापा बहू मैं और संजू चार आदमी हुए हम लोग, चार लोगों के लिए चार पीस डालिए। अब हमारा सब रेडी हो गया है और ये देखिए हमारा मच्छी करी कैसा बना है। मच्छा तीन ही पीस अच्छी कहेंगी अच्छा बाखाई चार। तो दोस्तों पापा खाना खा लिए हैं, बहू नहीं खाई अब तक, थोड़ा लेट होगा बोल के बोली, और अब हम दोनों खा लेंगे। और थोड़ा संजू को पूछेंगे ये क्या है, ये आओ थाली पकड़े जी दुईटा, ये कौन कौन? ये हो जी सागो, पुई सागो, पुई वो पुई सागो भजा है। और ये सामने पित्तो भजा, और ये है वो माछो पित्तो भजा, यानी कि मच्छी के अंदर से जो निकला था उसको फ्राई किए हैं। ओके, और ये तो आम है, आप लोगों को पता ही होगा और क्या बोलना है इसे। तो चलिए अब खा लेते हैं। तो दोस्तों ये जो पित्तो भजा यानी कि मच्छी के अंदर से जो निकला उसका फ्राई खाने में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे उड़ीसा में शायद बहुत सारे लोग खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उड़ीसा का ही खाते हैं, बाहर का खाते हैं या नहीं खाते मुझे नहीं पता, यही उड़ीसा का लोग भी ज़्यादा नहीं खाते हैं, कोई कोई खाता है कोई कोई नहीं खाता है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग खाते या नहीं। तो मैं खाऊँ नहीं पड़ा, मैं देख दियो नहीं मतलब न। ये आम और खाने को ना मिले, क्योंकि मक्खियों को उस दिन भगा दिए थे, फिर आज वापस आ गए और गुस्से से पापा सारे कांचे आम तोड़ दे रहे हैं। अभी कितने भगा हैं क्या करें, एक साथ 20-25 आ जा रहे हैं। रात्रों को एग्जाम हो को नहीं भात खाव कि
सरी मरी छु